अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप ठीक होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ वेज मोमोज। बनाना शुरू करते हैं। ये एक कप आटा, आधा चम्मच नमक। ये मोमोज का आटा बनाना शुरू करते हैं। इस पे आयन लगा के 30 मिनट रखूंगी मैं। वेजिटेबल बनाएंगे अभी। आधा चम्मच मैंने आयन लिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, शिमला मिर्च, ये गाजरें कटी हुई एक कटोरी, सारे वेजिटेबल जो है सारे एक एक कटोरी, हरी प्याज, अभी ये गोभी, ये डालेंगे आधा चम्मच, एक चम्मच सोया सॉस, ये काली मिर्ची, ये आधा चम्मच लाल मिर्ची। अभी सब्जियों को पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो पानी हमारा ड्राई हो गया चूल्हा में बंद करके, अभी मोमोज की चटनी बनाते हैं। ये मिर्ची गर्म पानी में भिगो के रखा था, अभी ये पानी पहले से गर्म करने रखा था, अभी इसमें टमाटर डालेंगे ताकि इसका छिलका आराम से उतर जाए। गर्म पानी में जो मिर्ची रखी थी, अभी इसको सब को निकाल के इसको ग्राइंडर में डालेंगे। छह लहसुन की कलियां और दो हरी मिर्ची छोटा छोटा कट करेंगे। ये सारे मैंने छिलके उतार दिए। तीन टमाटर, एक चम्मच नमक डालेंगे। अब इसको करते हैं ब्लेंड। चटनी हमारी बन गई, अभी इसको किसी बॉल में निकालते हैं। आधा घंटा हो गया, अभी इसको बनाना शुरू करते हैं। इसकी बड़ी सी रोटी बनाएंगे अभी। अभी सर्कल शेप में काटेंगे, अगर आपके पास कटर है तो आप कटर ले लें। अच्छा, बाकी का आटा उठा लेंगे। अभी इसको वापस पेड़ा बनाएंगे, इसको भी ज़ाया नहीं करना है हम लोग ने। अच्छा, अभी मोमोज बनाना शुरू करते हैं। इसको ऐसे सारा फोल्ड करेंगे सबको ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे दबाएंगे। इसी तरह सारे मैंने बना लिए। स्टीमर नहीं है, अभी मैंने नीचे पानी बॉईल करने रखा है, ऊपर से ये जाली रखी है। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा के ब्रश से अभी इसको बॉईल करने रखते हैं। आठ से दस मिनट तक इसको स्टीम करने रखूंगी। आठ से दस मिनट हो गए, अभी इसको देखते हैं। अच्छा, हमारे मोमोज बन गए, अभी इसको निकालते हैं। वेज मोमोज मेरे बन गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।